वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके जाने वाली हूँ आप लोगों को वैष्णो देवी की यात्रा पर। मेरे होटल रूम से ऐसा कुछ दिखता है वैष्णो देवी, और काफ़ी लाइटिंग और काफ़ी सुंदर सा दिख रहा है। हाय गाइस, तो अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और फिर अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा कुछ खाने, इवनिंग स्नैक्स टाइप का, उसके बाद आगे करते हैं। हम इससे पहले कुछ खाने जाते हैं, हमें पता लगा कि हम पहले आईडी कार्ड लेने जाएंगे क्योंकि वो 9 o'clock तक का ही टाइम था। हे एवरीवन, सो अभी हम लोग जा रहे हैं, अभी ऑलमोस्ट 12 होने वाला है, 12 हुआ नहीं है, तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। तो हमें बेसिकली 14 टू 15 किलोमीटर्स चलने हैं पैदल, और अभी मैं 1 hour की स्लीप लिया है मैंने, तो मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तो अभी हमारा ऑफिशियली नहीं स्टार्ट हुआ ट्रैक क्योंकि अभी हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं उस जगह पर जहाँ से हम, जिस रास्ते से हम अपना ट्रैकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, अपनी यात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग को उतने ऊपर जाना है जहाँ आपको लाइटिंग दिख रही होगी, नीचे से पूरा ऊपर तक जाना है चलते चलते। हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ लोग अभी मिसिंग हो गए। गाइस लोग, आप देख सकते हैं यात्रीगढ़ कितने जोर शोर से जा रहे हैं, और अभी सबके पास बहुत जोर से, लेकिन जहाँ 1 kilometer चलेंगे पता चलेगा। हम लोग को अभी कितना बज गया, 12:15 हो गए, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए रुके हुए हैं। ये हमारी पूजा दीदी जोश में है पूरे, ये हमारी सुरभि दीदी ये भी पूरे जोश में है, और ये बोल रही हूँ मैं जिसका कोई वीडियो बनाने वाला नहीं। गाइस आप लोग देख लीजिए, यात्रीगढ़ चाय वाले से बहस करते हुए, चाय वाले बिना बहस के इस लड़की का कोई काम ही नहीं होता इस यात्री का। और ये है मेरे पापा, बोलो आगे भागे, यहाँ है मेरे पापा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हम लोग के लिए अभी, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें अच्छी चाय नहीं मिलती है ना। हम जब से यूपी हमने क्रॉस किया, हमें एक भी अच्छी चाय नहीं मिली है, तो जम्मू वालों आपकी चाय हमें पसंद नहीं आई है। तो यहाँ पे लोगों ने अपने मन्नत के धागे बांधे हुए हैं और बहुत दूर तक बांधे हुए हैं, तो हम लोग भी चल रहे हैं ऐसे। तो अभी लग रहा है कि हालत ख़राब हो रही है अभी से, ये 0.5 kilometer भी नहीं हुआ। तो इधर है ऑटो स्टैंड, बहुत सारी ऑटोज खड़ी हुई है, N number of autos, और आप यहाँ से ले सकते हो बाणगंगा तक के लिए, और फिर वहाँ से रियल ट्रैक आपका स्टार्ट होता है। ऊपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बट डर भी लग रहा है कि इतना ऊपर हमें चढ़ना है। अभी रियल ट्रैक तो हमारा बिगन ही नहीं हुआ है। हम लोग ले रहे थे यहाँ पे स्टिक्स और हमने ले लिए हैं, क्योंकि उससे थोड़ा सा सहारा होता है चलने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा चलना था हम लोगों को। अभी से ही हमको टायर्डनेस लगने लगी थी, और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी शॉप्स हैं, और इन शॉप पे प्रसाद मिलते हैं, माता जी की चुन्नी मिलती है, और स्टिक्स वगैरह भी मिल जाते हैं आपको चलने के लिए। बट आई विल रिकमेंड कि आप इसको आते वक्त ही लें, जाते समय ऊपर चढ़ाई करते हुए प्रसाद ना लें, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपके बॉडी में होगा।
तो अभी हम इस वाले रास्ते पे यहाँ पे आए, हमने ऑनलाइन करा लिया था, पहले हमको आईडी कार्ड्स मिल गए थे जैसे कि आपको मैंने बताया। यहाँ पे मुझे याद आ रहा है पिछली बार मैं आई थी तो इधर लाइन लगानी पड़ी थी हमें, और यहाँ आकर हमारा पर्ची कटानी पड़ती वो हुआ था। हमारा ट्रैक फाइनली स्टार्ट हो गया है अभी, और यहाँ से हमने जाना स्टार्ट कर दिया है। अभी यहाँ से हमारा 12 किलोमीटर है। अभी हम आ गए हैं बाढ़ गंगा में। यहाँ पे सारे लोग पैर छुएंगे गंगा माता के, और फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आपको। तो अभी हम पहुँच चुके हैं फाइनली बाढ़ गंगा, और चलो आपको दिखाते हैं कि बाढ़ गंगा कैसी है। यहाँ पर बेसिकली ये एक नदी है जो कि बहती हुई रहती है। इसका पानी बहुत ही ज़्यादा साफ था और बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। रात के वक्त बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा था सब कुछ। ये कटरा से जहाँ से हम चलना शुरू किया था हमने, वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सो हम अभी 1 किलोमीटर हमारा ट्रैक पूरा हो चुका है, और इसके पीछे मान्यता ये है कि वैष्णो देवी ने बाण मार करके यहाँ पर गंगा माता को प्रकट किया था, और यहीं पर उन्होंने अपने बाल धोए थे, और यहाँ पर लोग उनको प्रणाम करते हैं, अपनी विशेष मांगते हैं, और फिर आगे यात्रा। फाइनली हम लोग बाढ़ गंगा आ गए थे, और आप यहाँ पे गंगा माता के दर्शन आप लोग भी कर सकते हो। तो हम लोग अभी बाढ़ गंगा से आ गए हैं। पता नहीं मेरी वॉइस आप लोग को आ रही है कि नहीं आ रही है, बट हम आ चुके हैं अभी आगे थोड़ा सा और अभी बाढ़ गंगा से जस्ट 2 मिनट्स का वॉक हुआ है हमारा। मैं तो अभी से हालत ख़राब हो गई है मेरी, आगे देखते क्या होता है। बाढ़ गंगा में दर्शन के बाद हम लोग आगे बढ़े, और 1.5 किलोमीटर चलने के बाद आती है चरण पादुका, जहाँ पर एक मंदिर है और माता के चरणों के निशान है वहाँ पर, जहाँ पर लोग उनका आशीर्वाद लेते हैं अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने से पहले। और यहीं पर आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं अगर आपको चाहिए। हमने थोड़ी देर तक वहाँ पर रेस्ट किया क्योंकि हम थक गए थे। हमने पी थोड़ी सी चाय, थोड़ी सी एनर्जी आई, और फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेंज चीज़ देखी जो कि था स्कूल। पहाड़ों पे ऐसे स्कूल था ट्रैकिंग के रास्ते पर, और उससे भी ज़्यादा स्ट्रेंज मुझे ये लगा कि मैंने ये स्कूल देखा नीचे से ऊपर जाते हुए। बट मैं जब सुबह लौट रही थी तो अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं पाई व्लॉग क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने देखा ऊपर से बच्चे नीचे पढ़ने आते हैं, उनका घर ऊपर है। तो ये मुझे बहुत स्ट्रेंज चीज़ लगी, बच्चे 2-3 किलोमीटर हर दिन चल के आते हैं और फिर चल के जाते हैं, वो भी पहाड़ी रास्तों पर, फिर भी इतनी खुशी से वो हंसते हुए जा रहे थे। तो दैट वाज द थिंग। ये है पुराना रास्ता जैसे लोग पहले जाते थे, और यहाँ पर एक है होटल जहाँ पे आप, अभी शायद ये बंद है। तो हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं, ज़्यादा ऊपर नहीं आए, अभी 2 to 2.5 किलोमीटर्स आ गए हैं। अभी भी बहुत चलना बाकी है, बट ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। सो आई थॉट कि आप लोग को इसका नज़ारा दिखाया जाए कि 2.5 किलोमीटर चलने के बाद कैसा लगता है। ये पूरा जम्मू सिटी है जो हमें दिख रहा है। लेट मी शो यू माई फेस ऑल्सो, एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।